Hi guys, welcome back to my another video of meal preparation. I personally feel अगर आप meal preparation करके रखते हो तो there are more chances कि आप healthy food खाओ, घर का बना ताजा खाना खाओ. तो फिर चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम शुरू करते हैं आज की मील प्रिपरेशन. इस प्रिपरेशन को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे टमाटो प्योरे. टमाटर हमारी जनरली हर सब्जी में डलता है और रोज दो टमाटर को पीसो, जार गंदा करो, उसको भूनो, इतना टाइम लगाओ. इस सबसे बचने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टमाटर है उसका प्योरे प्रिपेयर करती हूँ. यहाँ पे मैंने टमाटर को इस तरीके से चॉप कर लिया है और फिर हम इसको मिक्सी के जार में डाल के प्योरे बना देंगे. कई लोग इसको बहुत ही लार्ज बैच में बनाते हैं और फ्रीज करके भी रखते हैं, पर मुझे ये काम वीकली करना अच्छा लगता है जिससे कि थोड़ा हम फ्रेश खाना खा सकें. ये देखिए यहाँ पे मैंने टमाटो की प्योरी बना लिया है और अब हम इसको हाई फ्लेम पर कुक होने देंगे क्योंकि इसका वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है इस टाइम. जब तक हमारे टमाटोज की प्योरी कुक हो रही है हम दूसरे काम कर लेते हैं. ये रात को मैंने छोले को सोक करके रखा था. अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाला था और अब हम इसको यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख देंगे. चना अगर आपके फ्रिज में हो तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे चने की सब्जी बना ली, चना सैलेड बना लिए, चना फ्रिटर्स बना लिए. तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू हैव बॉइल्ड चना इन योर फ्रिज. इट्स वेरी हेल्दी, हाई इन प्रोटीन. तो चलिए इस चने को हम बॉइल होने रख देते हैं. ये मैंने कॉर्न्स के दानों को निकाल के रात को फ्रिज में रख दिया था. अब बारी आती है इसको बॉइल करने की. जो कॉर्न्स है इसके भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉर्न सूप, इसको आप पोहा में डालिए, उपमा में डालिए, कॉर्न सैलड बनाइए, कॉर्न फ्रिटर्स बनाइए. सो इट्स वेरी वर्सेटाइल, इट्स वेरी इजी. अगर आपके पास इतनी वर्सेटाइल चीज़ें फ्रिज के अंदर हों तो इट जस्ट मेक्स योर लाइफ वेरी इजी. नेक्स्ट मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ अनियन पील. अनियन पील करके अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम, जिससे कि आपको और हर सुबह एक प्याज छीलने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता और जो फ्रिज में रखने के बाद जो अनियन है उसकी जो तीखापन है वो काफ़ी कम हो जाता है और वो आइज में हर्ट नहीं करता. तो अब मैंने अनियन को यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया है. उसके बाद पैड ड्राई करके मैंने उसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लूँगी, जिससे कि जो हमारा अनियन है वो लंबे समय तक चलेगा. इसी तरीके से यहाँ पे मैंने गार्लिक को भी पील कर लिया है. इतना गार्लिक हफ्ते भर आराम से चल जाता है और फ्रिज में बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता है. तो अनियन और गार्लिक हमारे रेडी हो चुके हैं. नेक्स्ट बारी आती है कैरेट की. कैरेट जो है वो फ्रिज में रखने के बाद बहुत ही जल्दी से सॉगी सी हो जाती है, जो उसकी स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाती है. उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर कैरेट को पील करके रेडी कर लूँगी. उसके बाद इसको जब हम स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए हम इसमें एक जार लेंगे. उस जार को हम पानी के अंदर फिल करेंगे और उसके अंदर हम कैरेट को डालेंगे. अब जो हमारी कैरेट है वो पील करी हुई है, बस इस जार से निकालिए और इसको यूज़ कर लीजिए. इससे जो आपकी कैरेट है वो हमेशा कड़क रहेगी. चलिए इतनी देर में हमारे जो चने हैं वो बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए. अब हम इसी कुकर के अंदर अपने आलू को जो है वो बॉईल कर लेंगे. आलू भी बहुत वर्सेटाइल है, आप आलू का पराठा बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, डोसे के लिए फिलिंग बना सकते हैं. तो इसको बॉईल करके फ्रिज में रख लीजिए एंड इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम. ये देखिए जो हमारी टमाटो की ग्रेवी है वो अब तक पक के काफ़ी थिक हो चुकी है. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया. और हम इसको धीरे आंच पे वापस से थोड़ी देर पकने देंगे, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएंगे. नेक्स्ट बारी आती है ग्रीन्स की. यहाँ पे मैंने स्पिनच लिया है. वीक में बीच में स्पिनच और इन सबको साफ करने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए अच्छी बात रहती है अगर आप वीकेंड पे इसको क्लीन करके स्टोर कर लें. इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया है और मैं स्पिनच को इसमें ब्लांच कर लूँगी फॉर अराउंड 2 to 3 minutes. अब हम इसको गर्म पानी में डिप करेंगे और अच्छे से ब्लांच होने देंगे. जब हमारा स्पिनच ब्लांच हो जाएगा तो हम इसको आइसी वाटर में डाल देंगे, जिससे कि जो इसका ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहे. अब आप इससे कुछ भी अपने मनपसंद सब्जी बना सकते हैं. ये यहाँ पे हमारा
कॉर्न्स जो है वो ड्रेन कर लिया है मैंने, इसका सारा पानी निकल गया है। अब मैं इसको किचन टॉवल के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी जिससे कि जो इसका सारा पानी है वो निकल जाए और फिर हम इसको फ्रीज कर लेंगे। आलू के बाद अब मैं यहाँ पर बॉईल कर रही हूँ। अरबी एक ही कुकर के अंदर कितने सारे काम कर रहे हैं बहुत ही फटाफट, और इसको करने में रोज़ अगर अलग अलग करेंगे तो बहुत टाइम जाता है, और मील प्रेप करते समय अगर हम फटाफट कर लें तो इट जस्ट गोज विद इन नो टाइम। तो यहाँ पे मैं अरबी को बॉईल होने रख दे रही हूँ। इसको भी आप सूखी बना सकते हैं, रसे की बना सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे कुक कर सकते हैं। चलिए हमारी जो प्योरे है वो बनके रेडी हो चुकी है। इसको फ्रिज में रखने से पहले मैं इसमें एक टीस्पून अराउंड ऑयल डाल रही हूँ जिससे कि जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो अच्छी हो जाती है। अब हम इसको एक मिनट कुक करेंगे और फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए एक बहुत ही अच्छी प्योरे बनी है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, इसे जब आप इसको सब्जी में डालें तो थोड़ी सी डालें। जब तक हमारी सारी चीज़ें ठंडी हो रही थी, यहाँ पे मैंने जो लेडी फिंगर है भिंडी है उसको चॉप करके रख लिया है। भिंडी को चॉप करके रख लो तो बनाना बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्या आपको पता है अगर भिंडी को बनाने के टाइम पे उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दो तो उसका जो स्लाइमीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और भिंडी एकदम खिली खिली बनती है। ये यहाँ पर मैंने वीक में यूज़ करने के लिए कर्ड भी सेट कर लिया है कैसरोल के अंदर जिससे मैं आराम से अब इसको यूज़ कर सकती हूँ। ये देखिए हमारी जो मील प्रिपरेशन है वो रेडी हो चुकी है। इसकी पूरी लिस्ट वीडियो के एंड में मैंने दी है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ये देखिए गार्लिक पील हो चुका है, ये है स्पिनच का प्योरे। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है एग्स को बॉईल करके रखा है। ये एग्स को बॉईल करने के बाद मैंने इसको पील कर लिया है क्योंकि यह आज रात को ही चाहिए। अगर आप इसको दो तीन दिन स्टोर करने वाले हैं तो इसको पील नहीं करिए। ये हमारे बॉईल चना है। इसके बाद ये चॉप्ड भिंडी, यहाँ पे मैंने पटेटो और अरबी जो है उसको पील कर लिया है क्योंकि ये गरम गरम में पील होना थोड़ा इजी हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे मैश या चॉप नहीं कर रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन द यूज़ मैं इसको वैसे कर लूँगी। यहाँ पे अनियन कैरेट सब रेडी है, रेडी फॉर द यूज़ विद इन नो टाइम। ये जो हमारे कॉर्न्स हैं ये फ्रीजर में जाने के लिए रेडी हैं, और ये है हमारी टमाटो प्योरे। तो ये देखिए विद इन वन एंड अ हाफ आवर्स हमने पूरे वीक की मील प्रिपरेशन कर ली है। इट्स वेरी हेल्दी, और इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे कुकिंग के ऑप्शंस भी बताए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी बहुत सी हेल्दी रेसिपीज़ और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिए। बाय बाय।